तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा। तो इस वीडियो को फिलहाल लाइक कर दो क्योंकि इस वीडियो में जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। तो इस वीडियो को मेरा इतने रात में शूट करने का मेन रीजन ये है कि अभी मैं देखा कि व्हाट्सअप में एक मैसेज जो है वो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, बहुत को मेरे को इसको लेकर मैसेज कर रहे हैं। तो मैंने चाहता था कि ये मैसेजेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप में शेयर हो, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हो तो मेरे चैनल पर आप देखोगे कि मैं हमेशा टेक्स रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं व्हाट्सअप से रिलेटेड बनाता हूं जिसपे मैं आपको ये बताता हूं कि व्हाट्सएप के मैसेज के रियलिटी के बारे में बताता हूं। कुछ कुछ व्हाट्सएप में मैसेजेस हैं जो मुझे नहीं लगता है कि उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने से पहले उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ कुछ मैसेजेस जो है वो फेक होते हैं और एक फेक मैसेज जो है वो फिर से वायरल होने स्टार्ट हो गया है हमारे इंडियन आर्मी को लेकर। तो मैंने चाहता क्योंकि इंडिया में भी क्या हुआ आपको तो पता ही होगा कि पुलवामा में जो अटैक हुआ है उसके बाद हमारे 44 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और उनके बाद कुछ मैसेजेस जो है वो व्हाट्सएप पे वायरल हो रही हैं, तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो भाई जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में उस दिन कुछ इस तरीके का मैसेजेस वायरल हो रहा था, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपको स्क्रीन में कहीं भी दे दूंगा तो वहां से आप देख सकते हो। वहां पे लिखा हुआ था कि प्लीज यूज ब्लैक बैच प्रोफाइल पिक्चर फॉर इंडियन आर्मी एंड रिक्वेस्ट यूज एवरीवंस। तो हर किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा था इस इमेज को अपने डीपी में यूज करने के लिए। तो इस पे ये बताया गया था इंडियन आर्मी के इस बैच को जो है वो यूज करने स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच इंडियन आर्मी का बताया जा रहा है ये इंडियन आर्मी का बैच नहीं है, पर हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही दूसरा मैसेज जो वायरल हो रहा ना वो मैं इस स्क्रीनशॉट के बारे में बात कर रहा हूं जो कि अभी फिलहाल वायरल होने स्टार्ट हो गया है आज से, और इस पे कुछ ये लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको कहीं पे दे दूंगा। इस पे ये लिखा हुआ है कि आप लोगों से निवेदन है कि डीपी और स्टेटस में काले रिबन या फिर कोई भी काला धागा की वस्तु हटा दीजिए, यह भारत सेना के विरुद्ध होता है और हम अनजाने में उसी सेना की बेइज्जती कर रहे हैं। काला रंग आतंकियों का रंग है, सेना हमेशा इस रंग का विरोध करती है, थोड़ा समझदार हो जाइए, अपना देश का झंडा लगाइए। अपना देश का जो भी झंडा है उसे रखने के लिए कहा जा रहा है। तो इस मैसेज को जो भी लिखा है भाई मैं आप लोगों से आपसे बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इंडिया का ही झंडा लोगों के डीपी में लगाना चाहते थे आप कि लोग अपने डीपी में इंडिया का झंडा लगाए तो वो सही तरीके से भी कर सकते थे। आप इस तरीके के मैसेज आपको नहीं करने चाहिए कि लोगों को ये लगने लगे कि हम इंडियन आर्मी का जो है वो इंसल्ट कर रहे हैं, एक तरह से इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये जो भी रिबन है ना इसके बारे में थोड़ी देर में आप लोगों को बता रहा कि इसकी रियलिटी आखिरकार है क्या। अब मैं दिखा रहा आपको तीसरा स्क्रीनशॉट जो कि आज से वायरल होने स्टार्ट हुआ है, और ये तीसरा स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके का है। स्क्रीनशॉट जो है मैं डिस्प्ले में दे दूंगा कहीं पर आप देख लेना। इस पर भी लिखा हुआ है कि निवेदन है कि कृपया डीपी और स्टेटस से काले रिबन को हटा दीजिए क्योंकि यह झंडा उससे जुड़ी सामग्री हमारे सेनाओं के विरुद्ध होता है, इसलिए हम उसी सेना की बेइज्जती कर रहे हैं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिबन जो है वो पूरी तरीके से सही है, इस पर किसी भी तरीके से हम जो भी इंडियन आर्मी उसके किसी भी तरीके से इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा कि हम इंडियन आर्मी के रेस्पेक्ट करते हैं, करते थे और करते रहेंगे मरते दम तक। साथ ही मैं आपको अब चौथा स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा जिसपे कुछ ये लिखा हुआ है। ये भी स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को डिस्प्ले में दिखा दूंगा, स्क्रीन में कहीं भी दे दूंगा। इस पर ये लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज दिस योर डीपी, दिस इज द लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉस एंजलिस, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज ब्लैक एड्स इंस्टीट्यूट। उसके नीचे में लिखा हुआ एक बात कि बिफोर बिलीविंग एनीथिंग दैट कम्स ऑन व्हाट्सएप वन शुड गो थ्रू द फैक्ट एंड डिटेल्स। तो भाई मैं भी यही बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को व्हाट्सएप में फैलाने से पहले, व्हाट्सएप में यूज़ करने से पहले उनके फैक्ट और उनके डिटेल के बारे में जान लो, तभी उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करो, वरना मत करो। तो ये जो भी स्क्रीनशॉट है ये मेरा फ्रेंड यूज़ कर रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें, इसके बारे में थोड़ा पड़ताल कर लें और आप लोगों को इसकी भी रियलिटी बता दें, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई ये जो भी इमेज है ना जिसका यूज़ हम व्हाट्सएप की डीपी में कर रहे हैं, इसे आप ब्लैक बैच बोल लो या फिर ब्लैक रिबन बोल लो, जिसे हम व्हाट्सएप की डीपी में लगा रहे हैं, तो इसका आखिरकार प्रतीत होता क्या है, इस सिंबल का प्रतीत आखिरकार है क्या? तो इस सिंबल का प्रतीत होता है, यानी कि इस सिंबल का मतलब होता है शोक, उदासी, स्मरण, मातम, इन सारी चीज़ों के लिए इस सिंबल का जो है वो यूज़ हम कर सकते हैं। तो हमारे देश में हुआ क्या, हमारे देश में जो हुआ एक आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 44 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, और उनके शहीद हो जाने के बाद हमारे देश में एक तरह से मातम परस गया, उदासी छा गई, लोग शोक मनाने लगे उनका, तो ये काफ़ी निंदा का विषय है।
तो भाई इस टाइम पे हम ये जो भी इमेज का यूज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत नहीं है, इसका यूज़ हम बिल्कुल सही टाइम पे कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से हम इंडियन आर्मी के अगेंस्ट नहीं गए हैं, ना ही इंडियन आर्मी का इंसल्ट कर रहे हैं, हम हमेशा ही उनका रेस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोग उन सारे मैसेजेस जो कि मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि हम इंडियन आर्मी का इंसल्ट कर रहे हैं एक तरीके से इस सिंबल को लगा के, हमें इंडिया का झंडा यूज़ करना चाहिए या फिर इंडिया का इस तरीके से सिंबल बना हुआ उसका यूज़ करना चाहिए, तो भाई उनका भी यूज़ कीजिए। लेकिन ये सिंबल जो है जिनका हम यूज़ कर रहे हैं इतने दिनों से, दो दिनों से हम यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, हम सही थे और सही ही हैं। तो लोगों के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि हम किसी भी तरीके से इंडियन आर्मी के अगेंस्ट चले गए, इंडियन आर्मी का जो है वो रेस्पेक्ट नहीं कर पाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपने जो अगर ये डीपी लगाया था तो आप बिल्कुल सही थे और आप सही हो। इसके अलावा ये जो भी इमेज है ना, इससे आतंकवाद से पीड़ित लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज जो है इस तरीके के रिबन का यूज़ करी रंग भेद या फिर शोषण वगैरह को रोकने के लिए, यानी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इस तरीके के रिबन का यूज़ बहुत सारी कंट्रीज कर चुकी है। तो वे बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि इस इमेज का यूज़ अपने डीपी में करना किसी भी तरीके से गलत नहीं था, किसी भी तरीके से हम इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में नहीं गए हैं। अगर किसी भी लोगों को ऐसा लगता है तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब बात करते हैं हम अपने लास्ट स्क्रीनशॉट के बारे में, जो कि चौथा स्क्रीनशॉट था कुछ इस तरीके का, और इस स्क्रीनशॉट को मैं स्क्रीन में कहीं पे दे दूंगा और साथ ही मैं दोबारा पढ़ के बता दे रहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज दिस एज योर डीपी, दिस इज द लोगो ऑफ एन इंस्टीट्यूट इन लॉस एंजेलिस, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज ब्लैक एड्स इंस्टीट्यूट। तो भाई इस इमेज को अगर आप देखो, जिसने भी मेरा जो मेरा फ्रेंड था वो इसे अपने स्टेटस में लगाया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई इस स्क्रीनशॉट में आप देखो कि जो भी इधर स्क्रीनशॉट दिया गया है इस साइड में, उस स्क्रीनशॉट को आप देखें तो वो धुंधला है, बल्कि यहाँ जो भी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो भाई अगर आप गूगल पे जाओ और इस इंस्टीट्यूट का नाम लिखो, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो कि अपने गूगल में जाना, गूगल में जाके सर्च करना है ब्लैक एड्स इंस्टीट्यूट, और उस इंस्टीट्यूट को सर्च करने के बाद आप इमेज में भी जाके देख लेना या फिर ये जो भी वेबसाइट का जो भी नाम आएगा इस वेबसाइट पे विजिट करना, और उस वेबसाइट में आपको कहीं भी अगर ये सैम्पल दिख जाए तो आप मेरे इस वीडियो में आना, नीचे कमेंट में जाना, और जितनी भद्दी गालियाँ आप पाकिस्तान के लिए यूज़ कर रहे हो ना उतनी भद्दी गालियाँ आप मेरे लिए यूज़ करना अगर मैं गलत हूँ तो। अगर आपको इस इंस्टीट्यूट के साइट में अगर कहीं भी इस तरीके का सैम्पल दिखा तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों को ये लग रहा है कि इसे सर्च करने के बाद, यानी कि ब्लैक एड्स इंस्टीट्यूट गूगल में सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, तो भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ये स्क्रीनशॉट यूज़ करा गया है ना, इस पे जो यहाँ पे सर्च करा गया है, इसके ऊपर में जो सर्च करा गया है ना, वहाँ पे क्या सर्च करा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे सर्च करा गया है ब्लैक एड्स लोगोस। तो अगर आप गूगल में जाके ब्लैक एड्स लोगोस अगर सर्च करोगे तो ये सारे इमेजेस आएंगे, ना कि अगर आप सर्च करोगे ब्लैक एड्स इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो ये सारे इमेजेस जो है वो आने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये स्क्रीनशॉट जो है वो भी पूरी तरीके से फेक है। तो कृपया करके इस तरीके के मैसेजेस के बारे में आप फालतू की चीज़ें ना फैलाएं व्हाट्सएप पे, क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो हम लोगों का एक साथ रहने का टाइम है, ना कि इस तरीके की फेक चीज़ें जो है वो इंडियन आर्मी को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर जो है वो फैलाना सही नहीं लगता मुझे। तो भाई फिलहाल मेरे कैमरे का लाइट जो है वो ऑफ हो चुका है, तो मैं कैमरा को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा। तो बस भाई इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि ब्लैक बैच को लेकर सारी कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों की दूर कर सकूँ, और जो भी ब्लैक बैच को लेकर जो भी उसके अगेंस्ट में जितने भी सारे मैसेज आ रहे हैं उनकी रियलिटी जो है उनके बारे में आप लोगों के सामने बता सकूँ। तो भाई इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में शेयर करो, सारे ग्रुप में शेयर करो, ताकि लोगों को पता चल सके कि व्हाट्सएप डीपी का यानी कि जो भी ब्लैक कलर का सैंपल है ना उसकी रियलिटी आखिरकार क्या है, और उसके अगेंस्ट में जितने भी सारे मैसेज बन रहे हैं ना उनके बारे में लोगों को पता चल सके। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में, जहां भी शेयर करने सको आप वहां इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो भाई ये जो भी हुआ है ना इंडिया में सीआरपीएफ के जवानों पे जो भी आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि शहीदों की शहादत पे हमें निंदा नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए ना कि जो भी आतंकी इस खूनी खेल में शामिल है ना वो हमें जिंदा नहीं चाहिए। तो नीचे कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। तो भाई फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। तुमने हमारे जवानों के लहू से वैलेंटाइन डे मनाया है और अब हम आतंकवादियों के भस्म से महाशिवरात्रि मनाएंगे, अब तांडव होगा। प्रवाह पावित स्थले गले वलम्बित लंबित।